कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। फॉरेन डेलीगेशन आया है, आई हैव टू बी देयर रनिंग लेट। आज हमें डॉक्टर के पास जाना था, भूल गए आप? ओह, इतना इम्पोर्टेंट काम मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम एक काम करो, आई हैव टू गो फॉर द मीटिंग टू। अम्मी के साथ क्यों नहीं चली जाती? आंटी के साथ। हाँ तो क्या हुआ, कोई मसला है? नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मगर पता नहीं वो जाए या ना जाए। क्यों नहीं जाएंगी? इनफैक्ट वो तो बहुत खुश है जब से उन्होंने बच्चे की खबर सुनी है। आयजा, मैंने अम्मी से भी कहा है कि पुरानी सारी बातें भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करें, और तुमसे भी ये कहूंगा कि प्लीज अपने दिल में अम्मी के लिए बदगुमानी पैदा होने मत दो। उस रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। तुम अम्मी और लाइबा का रिलेशनशिप तो जानती हो ना, कितना प्यार करती हैं, भांजी है उनकी, और वो भी कोई नॉर्मल भांजी नहीं, जान अटकी हुई अम्मी की, उसके खिलाफ तो एक लफ्ज़ नहीं सुन सकती अम्मी। मैं समझती हूँ हैदर, तभी तो मैंने किसी को नहीं बताया कि खाने में ज़्यादा नमक लाइबा ने डाला था, और वो फाइल भी उसी ने चोरी की थी, ताकि बस घर में कोई तमाशा ना हो या लड़ाई ना हो। तो तुम जानती हो, तुम्हारी इसी बात की वजह से मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत मजीद बढ़ गई है। अम्मी दिल की बुरी नहीं है, बस गुस्सा है, और वो गुस्सा भी सिर्फ इसीलिए, वो जिस तरीके से हमारी शादी हुई है, बस थोड़ा सा वक्त तो अम्मी को ठीक हो जाएंगी, और जब तक ठीक नहीं भी होती ना, अगर वो कुछ कहती तो प्लीज बर्दाश्त कर लिया करो। आपकी अम्मी मेरे लिए मेरी अम्मी जैसी हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं जानती हूँ कि माएँ दिल की बुरी नहीं होती, इसलिए मैं भी कहता हूँ कि अम्मी से अपना रिश्ता बेहतर करो, ताल्लुकात बेहतर करो, बैठो उनके पास, टाइम स्पेंड करो, बात किया करो उनसे। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मैं आंटी से पूछ लूँगी, अगर वो मेरे साथ गई तो मैं चले जाऊँगी, वरना हम कल चले जाएंगे। अब आप जल्दी जाएं वरना लेट हो जाएंगे मीटिंग से। Oh, I completely forgot बातों में। Thank you for understanding। चलता हूँ मैं। लाफ्रेंस। लाफ्रेंस।